नमस्कार। आज हम पानी पूरी के खट्टी मीठी दोनों चटनी बनाएंगे। पानी पूरी में जब तक चटनी अच्छी नहीं होती है उसका स्वाद नहीं होता है। इसके लिए हम पुदीना ले ली हूँ, धो के अच्छी तरह से साफ कर ली हूँ। ये धनिया है, एक मिक्सर का जार ले लेंगे। धनिया डाल देंगे। ये चटनी भी एक बार बना के रख लेते हैं तो समोसा में भी आप खा सकते हैं, बड़ा में भी खा सकते हैं और पानी पूरी में तो खाते ही हैं हम। तीखी हरी चटनी, पुदीना डाल देंगे। तो पुदीना की खुशबू बहुत अच्छी लगती है पानी पूरी की, जो पानी बनता है उसमें। काला नमक डालेंगे। काली मिर्च, कुटा हुआ लाल मिर्च है, भुना हुआ है, कुटा हुआ है। जीरा का पाउडर है, ये भी भून के और पिसा हुआ है। थोड़ा सा सादा नमक डालेंगे और इमली का पानी डाल देंगे। पानी को मैं अच्छी तरह से धो के और फुला के रखी हूँ, इसको हम पीस लेते हैं। पानी को तीखी बनाना है इसके लिए हम तीखी मिर्च डाल देते हैं 4-5, इसको पीस लेते हैं। चटनी हमारी पीस गई है, अब इसमें और पानी मिला के हम पानी बनाएंगे। मीठी चटनी तब तक बना लेते हैं। पानी पूरी की मीठी चटनी बनाने के लिए मैं थोड़ा सा गुड़ ले ली हूँ और इमली का पानी बना ली। इमली को अच्छी तरह धो के और उसको निकाल ली हूँ, उसके रस को एक बर्तन में डाल दूंगा। गैस पे इसको रख देते हैं और इसको चलाते हुए हम पका लेते हैं। पानी हमारा उबल रहा है, इसमें जीरा और काली मिर्च का पाउडर पिसा हुआ, जीरा भून के पिसा हुआ है, काली मिर्च का पाउडर है, डाल देते हैं। नमक और काला नमक है, इसे भी हम डाल देते हैं और लाल मिर्च का पाउडर है, इसको भी हम इसमें डाल देते हैं। खट्टी मीठी पानी तैयार हो जाएगी पानी पूरी के लिए। और कुछ डालने की जरूरत नहीं है, इससे बहुत ही अच्छा पानी पूरी का मीठा खट्टा पानी तैयार होता है। गैस बंद कर देते हैं। इसमें हम थोड़ी सी मीठी, क्योंकि इसमें काफी पानी बनेगा, इसमें हम लेंगे 2 चम्मच हरी चटनी। डाल देंगे, इसमें भी थोड़ी सी पानी डाल देंगे हम। और देखिए हमारी चटनी बन गई है, ये मीठी और खट्टी है और ये तीखी है हरी चटनी। इसी तरह से चटनी बना लीजिए, जितना भी बनाना है उसके हिसाब से। जब आप खाने बैठे तो थोड़ी सी बूंदी डाल दें, पहले डाल के रखने से नरम हो जाएगी, इसलिए उसी टाइम डालें जब खाने बैठते हैं। इस तरह से थोड़ी सी मीठी थोड़ी सी तीखी चटनी डालिए और खाइए और बताइए कैसा बना है बना के एक बार। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।